बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरा यदि प्राण भी निछावर हो जाएगा तो उससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और श्रीमती राजश्री यादव जी, भाभी जी का तो निश्चित रूप से हमारे भैया बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी गद्दी पर से उतरेंगे, करोड़ों युवाओं के दिल के धड़कन हमारे तेजस्वी भैया बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। डॉक्टर राजेश रंजन प्रसाद हैं इस वक्त मेरे साथ, बीसपी से हैं, पहले से युवा राजद की जिम्मेवारी जवाबदेही थी इनके पर, लेकिन इस वक्त प्रदेश कार्यालय में है और एक नई जिम्मेवारी इनको दी गई है, पंचायती राज विभाग के प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया आपको, पहले से भी युवा राज की जिम्मेदारी थी, इस जिम्मेवारी को आप कैसे निर्वहन करेंगे? देखिए, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, करोड़ों युवाओं के दिल के धड़कन हमारे बड़े भैया नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तथा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी के निर्देश पर पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र विद्यार्थी जी, वो हमको हम पर विश्वास जताते हुए प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किए हैं। उनके विश्वास पर खरा उतरने का मैं काम करूँगा और राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता को जमीन से जोड़ने का काम करूंगा और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरा यदि प्राण भी निछावर हो जाएगा तो उससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और तेजस्वी यादव को जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा तब तक मैं अस्थिर से बैठने वाला नहीं हूं। है शादी हुई तो कहा था कि लकी उनकी वाइफ है, अब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपके न्यूज़ के माध्यम से मेरा गाड़ी पर उनका शादी का फोटो भी चला था, इसको रख दीजिए। और शादी हो गया है, निश्चित रूप से हमारी भाभी का पैर पटना के 10 नंबर आवास यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राजमाता रावड़ी देवी जी के आवास में पड़ गया है श्रीमती राजश्री यादव जी, भाभी जी का, तो निश्चित रूप से हमारे भैया बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। निश्चित रूप से बिहार के गद्दी पर बैठेंगे और जनादेश का चोरी करने वाले, जनादेश के अपमान करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी गद्दी पर से उतरेंगे, करोड़ों युवाओं के दिल के धड़कन हमारे तेजस्वी भैया बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करेंगे, गरीबों का राज होगा, बेरोजगारों का राज होगा। चलिए, राजेश प्रसाद थे जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, इनकी एक नई जिम्मेदारी जो है वो इनको दी गई है, पहले युवा राजद में थे, अभी भी वो जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ अब पंचायती राज विभाग के प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है और अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करेंगे, तमाम सवालों के जवाब जाने, साथ ही साथ एक वीरा उठाई है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का है, वो बनाकर ही दम लेंगे, गरीबों का राज की बात कही जा रही है। तो इसको इतना ही, देखते रहें इस बिहार, नमस्कार।